बीए फाइनल ईयर की छात्रा। इस महासरस्वती के इस पावन पवित्र प्रांगण में पधारे हुए आप सभी छात्रगणों का तहे दिल से व दिल की गहराई के साथ स्वागत आभार अभिनंदन करती हूँ। 75 की एनुअल प्रोग्राम करता है, उसमें इस वाद विवाद प्रतियोगिता का जो हिंदी का सब्जेक्ट है, ऑनलाइन कक्षाएं पारंपरिक कक्षाओं का विकल्प है, इस विषय पर आप सभी कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, अपने अपने मत को इस मंच में प्रकट करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। Today I am here to deliver a short speech on the online classes. Online classes is a very important source in the today's generation. From across the villages, many children can take the advantage of the online classes. A student which is sitting in the North Pole can easily access all the information and necessary data which is present in the South Pole. What do we mean? They play a vital role in the church here. Thank you. Welcome to all of you. And without beating out the bush, I will hit the nail on the head. So let's start English. Sir, that is pulling from St. Paul's College Education. Sir has served for 37 years. Retired Associate Professor, Department of English, MS. हमारा कॉलेज अभी 75वीं अपनी 75वीं जयंती मना रहा है। हमारे कॉलेज को स्थापना के 75 साल हो गए और ये 75वीं जयंती हम वर्ष पर्यंत मनाएंगे अनेक गतिविधियों अनेक अनेक साहित्यिक समितियों के माध्यम से। तो यहाँ आज हम साहित्यिक समिति के तहत जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता हमने आयोजित की है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रतियोगिता हो गई, उसमें दोनों अंग्रेजी और हिंदी दोनों की हुई, जिसका विषय रहा था ऑनलाइन कक्षाएं पारंपरिक कक्षाओं का विकल्प है। ये हमारा आज का विषय है, जिसमें हमारे यहाँ पर 20 कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। तो साथ में ही उसके अगला हमारा जो अंतिम कार्यक्रम का पड़ाव हो गया है वो होगा हमारा पुरस्कार वितरण, और उस होने वाले निर्णायक के रूप में हमारे साथ में महान विभूतियां हैं हमारे ही शहर की। हमारे साथ में संजय पुरोहित जी हैं, जो अपने नाम के कहीं भी अछूते नहीं हैं, पूरा शहर उनके नाम से। हमारे साथ में हमारे ही शिक्षक डॉक्टर मदन सैनी जी भी हैं, हमारे यहाँ से रिटायर्ड पूर्व प्राचार्य उप प्राचार्य भी हैं, हमारे यहाँ से रिटायर्ड पूर्व प्रवक्ता भी हैं, और इस तरह की महान विभूतियाँ हमारे साथ में निर्णय के लिए निर्णायक महोदय के रूप में हैं, और हम अंत में अपना पुरस्कार वितरण करके